पिछले दिनों वाराणसी के BHU कैंपस में IIT छात्रा के साथ हुई दरिंदगी के बाद उसकी जो विरोध की आग है वो कहीं राजस्थान में पहुंची है। हाल फिलहाल मैं खड़ा हूँ राजस्थान विश्वविद्यालय, जहाँ पर देख सकते हैं मेरे पीछे NSU के कार्यकर्ता हैं, वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार विरोधी नारे यहाँ पे लग रहे हैं। नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया गया है यहाँ पे विरोध में। आरोपी जो तीन हैं वो ITI से, BJP के IIT सेल से बताए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के विरोध में नारे यहाँ पे लग रहे हैं। तमाम जो छात्र नेता हैं NSUI के, तमाम जो छात्र संगठन है वो लगातार विरोध कर रहे हैं। NSUI के यहाँ पे जो संगठन है उसके कुछ नेता, छात्र नेता हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हम दिखाना चाहेंगे तस्वीरों में, देखिए जिस प्रकार से BHU में जो दरिंदगी हुई उसके तीनों आरोपी गिरफ्तार तो कर लिए गए हैं, लेकिन उनको फांसी देने की मांग यहाँ पे की जा रही है। मैं बताना चाहूँगा कि जो तीनों आरोपी गिरफ्तार हुए हैं वो IIT BJP के बताए जा रहे हैं, कुछ छात्र नेता हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अमरदीप जो है राजस्थान प्रदेश के जो NSUI प्रवक्ता हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। सर क्या पूरा मामला है? भारतीय जनता पार्टी हो चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हो, परिसर के अंदर इनका रेप करने का सिलसिला अभी तक नहीं रुक रहा। आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी जी के निर्देशानुसार राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर BHU में जिस तरीके से IT सेल के तीनों कार्यकर्ता ने एक हमारी बहन का रेप किया वो काफ़ी शर्मसार है। और हम ये केवल हमारा सांकेतिक प्रदर्शन था, आने वाले समय में राजस्थान का पूरा युवा नरेंद्र मोदी और अमित शाह का यह काले झंडों के साथ में स्वागत करेगा अगर ऐसी कार्यप्रणाली अभी तक भी रही। किस तरीके से तीनों BJP के जो कार्यकर्ता, जो IT सेल के पदाधिकारी है वो इसमें गिरफ्तार होते हैं, किस तरीके से जोधपुर के अंदर पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रेप करते हैं, किस तरीके से राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर ये बहन, इनका काम केवल और केवल बहन बेटियों की अस्मिता के साथ खेलना है, इसी का विरोध भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन करता है। और आने वाले समय पर अगर ये कार्रवाई इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी नहीं होती तो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एक बड़ा आंदोलन इसके खिलाफ करेगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई को लेकर इनकी लगातार मांग है, सांकेतिक इन्होंने प्रदर्शन किया है पता चलाकर। सर आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्या मांग है आपकी BHU के छात्रों की? देखिए BHU में जिस प्रकार की दरिंदगी हुई है वो शर्मसार करने देने वाली घटना है। आप देखिए ABBP व BJP के कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार हमारी बहनों के साथ विश्वविद्यालयों में छेड़खानी, रेप जैसी घटनाएं करते रहे हैं। आप जोधपुर देख लीजिए, देश के अन्य जगहों पर देख लीजिए, जहाँ भी कोई रेप या छेड़खानी का मामला आएगा वहाँ ABBP का कार्यकर्ता सबसे आगे मिलेगा। हम आज इस सांकेतिक धरने के माध्यम से उस देश की सरकार को चेताना चाहते हैं, या तो उन जिन्होंने ये दरिंदगी की है उनके साथ फांसी दी जाए, वरना ये राजस्थान की NSUI देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री का स्वागत काले झंडों के साथ राजस्थान में करेगी। काले झंडों के साथ राजस्थान में प्रदर्शन करने की बात कही जा रही है। छात्र NSUI जो छात्र संगठन है वहाँ के तमाम छात्र हैं वो प्रदर्शन करते नजर आए हैं। यहाँ पे बकायदा पता चलाया गया है, सांकेतिक धरने की बात कही है। ये सांकेतिक प्रदर्शन है, विरोध प्रदर्शन है, फांसी देने की मांग यहाँ पे लगातार बुलंद हो रही है। सर क्या आपका नाम क्या है? सर मेघराज गुजर नाम है सर। क्या पूरा मामला है, किस प्रकार देखते हैं, क्या मांग है आप? देखिए जिस प्रकार BHU के अंदर ABBP के कार्यकर्ताओं द्वारा बहनों के साथ अस्मिता के साथ जो खिलवाड़ किया है, पिछले दिनों ABBP के कार्यकर्ता जोधपुर विश्वविद्यालय में ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनके खिलाफ राजस्थान विश्वविद्यालय में NSUI के कार्यकर्ता द्वारा आज सांकेतिक रूप से मोदी जी का पुतला दहन किया। आने वाले समय में काले झंडों के साथ में मोदी जी और अमित शाह जी का स्वागत यहाँ राजस्थान में किया जाएगा, पूरे देश में उनका विरोध होगा। आज सांकेतिक रूप से हम चेताना चाहते हैं कि इस प्रकार की घटनाओं पर अंजाम दें, अन्यथा लोकसभा चुनाव के अंदर नरेंद्र मोदी जी को इसके खिलाफ तमाचा मिलेगा। लोकसभा चुनाव की भी चेतावनी दे दी इन्होंने, कहा है कि लोकसभा चुनाव में हम आईना दिखा देंगे सरकार को। BJP जो यहाँ पर राजस्थान में सरकार में सत्ता में है वहीं सेंटर में BJP प्रधानमंत्री मोदी हैं। एक छात्र और भी, सर क्या प्रकार देखते हैं पूरा BHU में कांड होना, उसके बाद आरोपी गिरफ्तार होना, तीनों ही BHU IT के वो बंदे बजा जाते हैं BJP के? देखिए जिस प्रकार से देश में जो आक्रांताओं का माहौल जिस प्रकार से बढ़ता हुआ जा रहा है, ये BJP की हठ धर्मिता है। वो नशे में इतना चूर हो चुके हैं कि उन्हें जो आज है देश के लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटनाएं सामने आ रही है। आप देखिए किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी IT सेल के पदाधिकारी जिनकी फ़ोटोएं
जो वायरल हो रही है, जो नरेंद्र मोदी जी के साथ में है, वहाँ के मुख्यमंत्री जी के साथ में जो है वहाँ की फोटोज जो वायरल हो रही है, वो बीजेपी आईटीसीएल के पदाधिकारी है, उसके बावजूद भी जो इतना बड़ा जो ये कांड हो गया उसके बाद में देश में कोई चू तक नहीं कर रहा है, जो है आप देखिए किस प्रकार से मीडिया में जो है उसके खिलाफ जो बयानबाजी नहीं हो पा रही है, ये देश के साथ साथ हम लोगों के लिए सोचने का विषय है आने वाला लोकसभा चुनाव में। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब धीरे धीरे लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है, इस प्रकार की घटनाएं आए दिन जो है एक रूटीन सा हो गया देश के अंदर। आप देखिए जब जोधपुर में ऐसी घटना हुई, जयपुर में ऐसी घटनाएं हो रही है, अब जो है बीएचयू के अंदर शिक्षण संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इस देश का सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में एक है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आए दिन एबीवीपी गुंडे वहाँ घटनाएँ ऐसी करते हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय में ऐसी घटनाएँ होती जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं हठधर्मिता है, सत्य के नशे में ये चूर है। कांग्रेस ने इस देश को 70 साल इस लोकतंत्र को बनाया है, इन लोगों ने 9 सालों के अंदर जो है पूरा संघी राज कर दिया है। आप देखेंगे तो इस तरीके से इस देश में जो है ना तो मीडिया कुछ बोल पा रहा है, ना कोई लोग बोल पा रहे हैं, सिर्फ मोदी और अमित शाह की जो है सरकार चलाई जा रही है। इस सरकार के खिलाफ आज NSUI द्वारा जो है ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया है। हम अभिषेक चौधरी जी के नेतृत्व में अगर आज ये नहीं माने हमारी बात तो आने वाले समय के अंदर NSUI जो 5 जनवरी को नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है, अमित शाह का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के अंदर काले झंडों के साथ हम आज शुरुआत करेंगे। ये राजस्थान वीरों का प्रदेश है, ये जो है मीराबाई का प्रदेश है, महाराणा प्रताप का देश है, हम यहाँ अन्याय नहीं सहेंगे और इन लोगों को करारा जवाब देंगे। आने वाले जनवरी में 5 जनवरी को अमित शाह और नरेंद्र मोदी के जो यहाँ पे कार्यक्रम है उसमें काले झंडे दिखाने की बात कहीं ना कहीं कही है। सर आपके पास आना चाहूँगा, क्या पूरा मामला है, किस प्रकार देखते हैं आरोग्य विद्यालय को? नहीं, उन्होंने जो भी किया वो बहुत गलत किया, ठीक है, किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा नहीं करना था, और जो भी वो दरिंदे हैं उनको जल्दी जल्दी फांसी मिलनी चाहिए, जल्दी जल्दी उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस प्रकार वो बड़े बड़े जो हस्तियों के साथ जो फोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं, और उन्हें भी ये पता है, लेकिन उन्होंने अपनी आँखें बंद कर रखी है, उनको ये चीज़ की समझ में आनी चाहिए कि ये आज किसी और बहन बेटी के साथ हुआ, कल को उनके साथ भी हो सकता है। साफ साफ संकेत दे दिया है, सांकेतिक विरोध जो है यहाँ पे कर दिया गया है, पुतला दहन किया गया है बाकायदा मोदी नरेंद्र मोदी का साथ। और सर क्या पूरा मामला है, किस बार देखते हैं आप? देखिए जिस तरीके से BHU की बेटी के साथ अन्याय किया गया है, जो दरिंदगी की गई है, उसके लिए, उसके न्याय के लिए, उन दरिंदगों को फांसी की मांग के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक सांकेतिक प्रदर्शन किया है, और केंद्र में बैठी उस चड्डाधारी और मोटा भाई की सरकार को हम चेताने के लिए ये काम कर रहे हैं, और उनको एक छोटा सा इशारा करके ये बात बताना चाहते हैं, इन बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है उसको न्याय नहीं मिला, तो जो राजस्थान वीरों की भूमि है उस पर स्वागत, ये राजस्थान की NSUI पूरे प्रदेश की NSUI काले झंडे दिखा के मोदी जी का और अमित शाह जी का यहाँ पे स्वागत करेगी। इससे अच्छा होगा कि जो बेटी के साथ अन्याय हुआ है, BHU की बेटी के साथ, उनके जो दरिंदगे हैं उनको फांसी देने का काम करे और जल्दी से जल्दी देश की बेटी के साथ न्याय करे। दरिंदगी का शिकार हुई बेटी के लिए न्याय लगातार मांग रहे हैं, और दरिंदे जो हैं आरोपी हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, वो तीनों की गिरफ्तारी को लेकर इनकी जो मांग है छात्र नेताओं की, छात्र संगठनों की, वो लगातार बढ़ रही है। फांसी की मांग की यहाँ पर बात की जा रही है, फांसी नहीं देने पर आने वाले समय में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को काले झंडे दिखाने की बात कही जा रही है। तो कहीं तमाम जो घटनाक्रम है उसकी आग राजनीति में भी हलचल मची है, वहीं पर छात्र संगठन है लगातार विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ संदीप बराल, द नगरी मीडिया, जयपुर।